नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। श्रीमती उर्मिला सिंह शिक्षण संस्थान जामो का सराहनीय कदम, 4 महीने की फीस माफ कर अभिभावकों को दी बड़ी राहत। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद के ब्लॉक जामो क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुर स्थित उर्मिला देवी शिक्षण संस्थान की प्रबंधक श्रीमती उर्मिला सिंह ने अपने विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के 4 महीने की फीस माफ कर उनके अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। बताते चले कि कोरोना महामारी के चलते लोगों की समस्याओं को देखते हुए क्षेत्रीय विद्यालय श्रीमती उर्मिला शिक्षण संस्थान की प्रबंधक श्रीमती उर्मिला सिंह ने बच्चों की फीस माफ कर दी है और बातचीत के दौरान कहा है कि इस भयंकर महामारी से अच्छे खासे लोग परेशान हैं, तो हमारे विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावक तो मध्यवर्गीय हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उनकी मदद और नहीं कर पा रही हूं तो जो मैं कर सकती हूं वो करूं। बस इसी विचार से मैंने बच्चों की फीस माफ करने का फैसला लिया, जो मुझे काफी सुकून दे रहा है। श्रीमती उर्मिला सिंह जी के द्वारा किए गए इस कार्य से अभिभावक सहित क्षेत्रीय लोगों में काफी खुशी का माहौल है और पूरे क्षेत्र में उनके इस पुनित कार्य की सराहना हो रही है। राम प्रसाद शुक्ला, ब्यूरो प्राइम न्यूज 24 के साथ ओम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। मैं प्राइम न्यूज रिपोर्टर ओम प्रकाश सिंह आज पहुंचा हूं जनपद अमेठी के जामो ब्लॉक के अंतर्गत श्रीमती उर्मिला सिंह शिक्षण संस्थान के प्रबंधक जी के पास, जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने स्कूल के बच्चों की 4 महीने की फीस माफ कर अभिभावकों को राहत प्रदान की है। आइए, मैं प्रबंधक जी से कुछ बात करना चाहता हूँ। मैम, आपका नाम क्या है? उर्मिला सिंह। मैम, आपके मन में ये विचार कहाँ से आया कि अभिभावकों को राहत दी जाए? कोरोना वायरस के चलते ये मेरे मन में विचार आया कि जब हम लोग खुद ही परेशान हैं, अच्छा, तो लोग तो और परेशान होंगे, गरीब बच्चे हैं, इसलिए मेरे मन में विचार आया कि 4 महीने की फीस बच्चों की माफ कर दी जाए, अभिभावक को राहत मिल जाए और बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। इसको मैं उसके भाव में ना देखकर, व्यवसाय के सेवा के भाव में देखकर बच्चों का मैंने फीस माफ कर दिया कि सभी गरीब बच्चे हैं जी। और गरीब घर के हैं, सभी एक जैसे हैं नहीं, इसलिए मेरे मन में विचार आया कि बच्चों की फीस को माफ कर दिया जाए जी। और इसी के इस चैनल के माध्यम से मैं सभी अभिभावक से नमस्कार करना चाहती हूँ और बच्चों को अपने अच्छे से पढ़ाएं और शिक्षा दिलाएं। धन्यवाद।